भक्तों जय श्री राम। इस शक्तिशाली हनुमान मंत्र को एक बार सुनकर छोड़ दें, शत्रु का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगेगा। जी हाँ भक्तों, इस कलयुग में हनुमान जी की भक्ति करने वाले सच्चे भक्तों को देखकर शत्रु तो क्या, इस पृथ्वी पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ विराजमान हैं, उनका दिल डर के कारण बहुत जोरों से धड़कने लगता है, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों पर कभी भी कोई आंच नहीं आने देते। और यदि कोई गलती से भी हनुमान भक्त से शत्रुता करने की कोशिश करता है तो स्वयं शनिदेव उसकी जन्म कुंडली के सभी भावों में भ्रमण करने लगते हैं। भक्तों, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, आपका जीना दूभर कर दिया है, तो एक बार हनुमान जी की भक्ति करके देखें। हनुमान जी आपके जीवन से सभी शत्रु बाधा को समाप्त करके आपको इतना शक्तिशाली और धनवान बना देंगे कि शत्रु का दिल आपको देखते ही बहुत जोरों से धड़कने लगेगा। भक्तों, इसके लिए आपको अपनी किस्मत को न कोसते हुए अपनी हनुमान जी की भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। भक्तों, हमारे साथ ऐसा कितनी बार होता है कि हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, हम कहते हैं हमारी किस्मत फूटी है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है, हम आमतौर पर निराश हो जाते हैं और अपनी किस्मत पर दोष लगाने लगते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे भाग्य में उठा पटक लिखी गई है और सब गलतियां हमारे ही जीवन में क्यों होती हैं? हमें लगता है कि हमारे पास सही चीजों की कमी है, जिसके कारण हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी बार हमने बहुत सी चीजें यह कहकर छोड़ दी कि किस्मत में होगा नहीं तो हमें मिलेगा कैसे। हम तो अपने आप को यह तसल्ली देते हैं कि इसमें मेरा दोष था ही नहीं, मैं और करता भी क्या। ऐसे विचार आपके मन में भी आते हैं तो इस कहानी के द्वारा आप उनसे मुक्ति पा सकते हो। एक दिन एक व्यक्ति एक महान ज्ञानी साधु के पास आया। उसने साधु से कहा कि मैं अपनी किस्मत ठीक करवाने आया हूँ, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, मैं जो भी करता हूँ वह खराब हो जाता है, मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं देती। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, क्या आप मेरी भी फूटी किस्मत को सुधार सकते हो। साधु ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा और उससे पूछा, यह फूटी किस्मत तुम्हें कहाँ दिखी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है। उस आदमी ने कहा, मैं जो भी करता हूँ तो वह हो नहीं पाता, तो मेरी किस्मत फूटी ही हुई। इन किसी वक्त मेरे पास सब कुछ था, धन सुख आनंद, फिर मेरे माता पिता गुजर गए, जैसे जैसे करके मैंने अपनी खुद की परवरिश की, मैंने जिससे सच्चे मन से प्रेम किया, उस प्रेमिका ने किसी और से विवाह कर लिया, मैंने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, तो जिस मित्र के साथ मैंने वह व्यापार शुरू किया वह मेरा व्यापार ही हड़प बैठा। मुझे किसी ने बताया कि आप सारी समस्याओं का हल निकाल देते हो, क्या आप मेरी भी किस्मत ठीक कर सकते हो। साधु ने कहा, लाओ तुम अपनी फूटी किस्मत मुझे दे दो, मैं अभी उसकी मरम्मत कर देता हूँ। व्यक्ति ने कहा, मैं किस्मत को कैसे दे सकता हूँ, वह तो दिखाई भी नहीं देती। साधु ने पूछा, जब तुम्हें तुम्हारी किस्मत दिखाई ही नहीं देती तो तुम्हें कैसे पता कि वह खराब हो चुकी है। व्यक्ति ने कहा, मेरी किस्मत खराब है तभी तो मेरे साथ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, मेरे बने बनाए कामों पर पानी फिर जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो सब कुछ ठीक होता है ना। तो साधु ने कहा, तुम ठीक दिखाई देते हो, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक लग रहा है, तुम्हारे हाथ पैर भी सलामत हैं, तुम अभी तक मरे नहीं, मुझे तो तुम्हारी किस्मत में कोई भी खराबी नहीं लग रही, सब कुछ सही लगा। अगर किस्मत खराब होती है तो तुम्हारा अंग भंग हो जाता या तो मृत्यु को प्राप्त हो जाते, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है।
फिर तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? व्यक्ति ने कहा, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है। लोग रोज मेरे घर धमकाने आते हैं, जिसका मैंने कर्ज लिया है। वे मुझे मारने तक की धमकी देते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया है। अभी भी मेरे पीछे पड़े हैं। तो ऐसे में मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत सही है? साधु ने विचार पूर्वक कहा, तो समस्या गंभीर है। व्यक्ति ने उदासीनता के साथ कहा, जी हां, अब आप समझ गए ना कि मैं कितने बड़े दुख से गुजर रहा हूं। साधु ने फिर से समझाया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जीवित हो इस दुख का सामना करने के लिए, और इस जीवन से ही तुम अपनी समस्याओं का सामना कर सकते हो। व्यक्ति ने कहा, साधु महाराज, आप नहीं समझ रहे। तब साधु ने उससे कहा, समझ तुम नहीं रहे हो। तब साधु उस व्यक्ति को अपने साथ पास वाली नदी के किनारे ले गए और कहा, यह देखो इस बहती नदी को, इस नदी में अगर मैं एक पत्ता गिरा देता हूं तो तुम मुझे बताओ यह पत्ता किस दिशा में बहेगा। व्यक्ति ने कहा, पत्ता तो नदी के बहने के साथ नदी की दिशा में ही जाएगा। साधु ने कहा, बिल्कुल सही, अब बताओ पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है। व्यक्ति ने कहा, इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, वह जहां चाहे इसे ले जा सकती है। तो साधु ने कहा, लेकिन पत्ते तो मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसे नदी में डाल सकता हूं, चाहूं तो नहीं। व्यक्ति ने कहा, तो फिर इसकी किस्मत आपके हाथों में है, आप जहां चाहे इसे डाल सकते हैं। साधु ने कहा, लेकिन इस पत्ते की किस्मत मेरे हाथ में नहीं है, मैं जितना भी चाहूं इस पत्ते को सूखने से नहीं रोक सकता, यह सूख ही जाएगा और मर जाएगा। जब तक यह पेड़ पर था यह हरा था, इसे ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन अब यह पेड़ से अलग हो गया है। अब बताओ इस पत्ते की किस्मत अच्छी है या बुरी। व्यक्ति ने कहा, अब तो इसकी किस्मत बुरी है, क्योंकि अभी अपने पेड़ से अलग हो गया है और ज्यादा दिन जीवित भी नहीं रह पाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। साधु ने कहा, अभी ये पत्ता मरा नहीं है, अभी भी ये जीवित है, और इसका लाभ ही है कि अभी यह पत्ता वह सब कुछ कर सकता है जो वह पेड़ से लगे रहकर नहीं कर सकता था। साधु ने वह पत्ता हवा में छोड़ दिया, वह उड़कर दूर जा गिरा। तब साधु ने कहा, देखो पेड़ पर रहकर भी कभी इतनी दूर नहीं जा सकता था, आज इसने स्वतंत्र होकर उड़ने का आनंद लिया है। फिर वह पत्ता उड़कर नदी में जा गिरा। साधु ने कहा, देखा, अब वह पत्ता नदी में तैरने का भी आनंद लेगा, और अगर तुम ध्यान से देखो तो यह पत्ता कितने ही छोटे छोटे जीवों को अपने ऊपर बिठाकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा रहा है। इस पत्ते की भी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वह अपने नए अवसर को ढूंढने में लगा हुआ है। तुम्हारी समस्याएं तुम्हें उड़ने का अवसर दे सकती हैं, यदि तुम उन्हें सकारात्मक नजरिए से देखो। उस आदमी ने वहां खड़े होकर साधु की बात पर विचार किया। धीरे धीरे उसने पूरी कहानी के पीछे छुपी गहरी सच्चाई को समझना शुरू किया। वह साधु की ओर देखते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं। साधु महाराज, मैंने अपने भाग्य पर ध्यान देने में अपनी दृष्टिकोण को सीमित कर दिया। मैं इतना प्रयास कर रहा था कि समस्याओं और मुश्किलों पर ही फोकस करता रहता था, जिसके कारण मैं उनमें मौजूद अवसर को देखने में असमर्थ था। मुझे अब समझ आ गया है कि मेरी फूटी किस्मत बस एक डर और निराशा से उत्पन्न एक धारणा थी। भक्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारे हाथ में होती है,
हम खुद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। हमारी समस्याओं का हल भी हमें ही निकालना होता है। चुनौतियां को एक अवसर के रूप में देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी किस्मत को सुधार सकते हैं। भक्तों, इन बातों को अपने जीवन में गांठ बांध कर रखें और इस शक्तिशाली हनुमान मंत्र के प्रभाव से शत्रु बाधा को अपने जीवन से दूर रखें। हनुमान जी के प्रति जो भी भक्त सच्चे मन से आस्था रखते हैं, वो ये बात अवश्य जानते हैं कि हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों पर कोई आंच नहीं आने देते और हनुमान जी के दर्शन कर लेने मात्र से दुख, क्लेश और मन की नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। भक्तों, अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र उच्चारण पर अपनी आस्था को बनाते हुए सुनता है तो उसके जीवन से सभी संकट अपने आप धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। भक्तों, अगर आप भी अपना भाग्य बदलना चाहते हो तो इस मंत्र उच्चारण का उपयोग कम से कम 21 दिन तक लगातार दिन भर में जब भी समय मिले पूरा जरूर सुने। इस मंत्र उच्चारण को सुनते समय हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनसे शत्रु बाधा से मुक्ति एवं अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और जब भी कोई मंत्र का जाप करें या मंत्र का उच्चारण को सुने तो पूरा सुने, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार किया गया मंत्र जाप ही फलदायी सिद्ध होता है। भक्तों, अगर आप किसी कारणवश इस मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर रोजाना इस मंत्र को अपने मोबाइल पर ही 11 बार सुनकर देखें। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आपके ऊपर भी सदा सदा के लिए बना रहे तो इस मंत्र को पूरा जरूर सुने। तो भक्तों, अब चलते हैं इस मंत्र की ओर। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा।
ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसं प्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसं प्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसं प्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसं प्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसं प्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसं प्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसं प्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसं प्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसं प्रभाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसं प्रभाय रामदूताय स्वाहा।